पिथौरागढ़ की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। पुलिस ने जिले में लंबे समय से फरार चल रही एक महिला गैंगस्टर सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जॉलजीबी संजीव कुमार ने गैंगस्टर एक्ट में सोनी लोहिया निवासी बिण को उसके घर में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ नीरज कनोडिया निवासी शालीमार बाग दिल्ली को जाजरदेवल के पास से गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि यह दोनों लोग गैंग लीडर पंकज सिंह और धनेश कुमार लोहिया के साथ मिलकर युवाओं को सेना आदि में भर्ती कराने के नाम पर धोखा दे रहे थे। इन्होंने युवाओं से 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी की है। लोग डर के चलते उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने और गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इन सभी लोगों के खिलाफ दिसंबर माह में जॉलजीबी थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिला क्रिकेट लीग सीनियर ओपन पुरुष वर्ग प्रतियोगिता के मैच में सोर क्रिकेट क्लब ने शक्ति क्लब को 9 विकेट से पराजित किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में टॉस जीतकर शक्ति क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 25 ओवर के मैच में 17 ओवर में ही सभी विकेट खोकर मात्र 74 रन बनाए। इसके जवाब में उत्तरी सोर क्रिकेट क्लब ने 12 ओवर में 1 विकेट खोकर 75 रन बना लिए। दिवेश तिगारी ने 57 नाबाद रन बनाए। मुख्य अतिथि राजकीय शिक्षक संघ के प्रवीण सिंह रावल, जिला खेल समन्वयक विक्रम सिंह दिगारी रहे। हल्द्वानी में गुरप्रीत सिंह DSDSC की ओर से आयोजित कुमाऊं के 6 जिलों की नृत्य प्रतियोगिता में सुरांजलि में विशारद प्रथम की छात्रा आकांक्षा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। चौथे स्थान में पिथौरागढ़ की ही जागृति जोशी रही। सुरांजलि की प्रबंधक उमा पांडे ने बताया कि प्रतियोगिता में निर्णायक मुंबई की आकांक्षा शर्मा रही। बताया कि आकांक्षा मानस अकेडमी में कक्षा 7वीं की छात्रा है। उनके पिता घनश्याम सिंह पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में अभियंता के पद पर हैं। माता गीता गृहिणी हैं। उन्होंने दोनों बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। राजा क्लब मुआनी की ओर से आयोजित पद्म बहादुर चंद स्मृति शेष क्रिकेट प्रतियोगिता में नागदेव क्लब ने चोपड़ा 11 को हराया। नागदेव क्लब ने 15 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 230 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में खेलने उतरी चोपड़ा 11 11 ओवर में 87 रन ही बना सकी। मैन ऑफ द मैच दिवाकर सोनार रहे। मुख्य अतिथि डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर किरीश पंत रहे। उमचिया के तीजम खेल मैदान में स्वर्गीय देवेंद्र सिंह दानू की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में पांगला ने जय हरदेवल क्लब को 5 विकेट से हराया। मुख्य अतिथि कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष राम सिंह रोकाया। विशिष्ट अतिथि क्षेत्र पंचायत सदस्य डूंगर दानू ने खिलाड़ियों से परिचय कर फाइनल मुकाबले का उद्घाटन किया। जय हरदेवल क्लब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 116 रन बनाए। इसके जवाब में पांगला की टीम ने रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से जीत दर्ज की। विजेता टीम को 50,000 और उपविजेता को 20,000 रुपए की नगद राशि और ट्रॉफी भेंट की। निर्णायक कृष्ण ग्वाल खुशाल दानू रहे। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चले आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। धारचूला में रंग कल्याण संस्था और नमामि गंगे के सौजन्य से स्कूली बच्चों और पर्यावरण मित्रों ने नगर में स्वच्छता रैली निकाल लोगों को जागरूक किया। रैली का शुभारंभ पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक सिंह नब्याल और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी PS बोरा ने किया। इस दौरान बच्चों ने दुकानदारों से दुकानों के आगे कूड़ा नहीं करने की अपील की। करण थापा राजेंद्र नब्याल ने जैविक और अजैविक कूड़े के बारे में बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ के तत्वावधान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HS हयांकी के दिशा निर्देश व डॉक्टर ललित भट्ट के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम द्वारा बंदियों और निराश्रित महिला कर्मशाला में नियमित काउंसलिंग की गई। उन्हें नशे से दूर रहने और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के उपायों की जानकारी दी गई। कुल 52 लोगों की काउंसलिंग कर उचित परामर्श दिया गया। 19 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में 16 जनवरी को देवसिंह मैदान में नारी शक्ति बंधन के तहत दीदी बहनी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
मंगलवार को भाजपा के जिला प्रभारी बलवंत सिंह भौरियाल ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी रहे, इसके लिए प्रशासन और कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहेगा। इस दौरान नगर में रोड शो का आयोजन भी किया जाएगा। जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने सभी पार्टी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।